देश में कोई भूखा नहीं रहे, केवल बोलिए मत। नागरिकों से कह रहे हैं पड़ोसी को खाना खिलाइए, आप क्या कर रहे हैं जनाब? आपकी सरकार क्या कर रही है? बड़ी बड़ी बातें करना बंद कीजिए, जमीन पे उतरिए और जमीन पे देखिए कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। नारेबाजियां नहीं हमारे देश को मदद पहुंचाने वाली। आप नारों को देते रहते हैं, आपका शौक है उसको पूरा करते रहिए, लेकिन नारों से लोगों का पेट भरने वाला नहीं है। 1.5 से 2 लाख करोड़ का पैकेज चाहिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। आप पीएम केयर्स में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसकी जवाबदेही पार्लियामेंट को नहीं दी जाएगी। वो कितना आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, देश जानना चाहेगा। इस देश के अंदर कोई आवाज नहीं उठा सकता बताने के लिए कि हमारी क्या जरूरत है। कोई कह नहीं सकता कि सरकार की यहाँ पर कमी है। हम डेमोक्रेसी हैं, अभी डिक्टेटरशिप नहीं है। अगर हुक्मरानों को लगता है कि उन्होंने डिक्टेटरशिप लागू करी है तो वो उनकी सोच होगी, लेकिन हम संविधान के द्वारा अभी भी उसके द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो उस संविधान की धज्जियां उड़ाना बंद कीजिए। सर प्राइम मिनिस्टर, मैं फिर ये कहना चाहती हूं कि आप FCI के गोदामों के भंडार खोलिए और देश में कोई भूखा नहीं रहे, केवल बोलिए मत। नागरिकों से कह रहे हैं पड़ोसी को खाना खिलाइए, आप क्या कर रहे हैं जनाब? आपकी सरकार क्या कर रही है? इसलिए मैं उन मजदूरों का, श्रमिकों का, गरीबों का जो अपने गांवों में हैं, शहर की गरीब बस्तियों में हैं, या जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, मैं उनकी तरफ से गुहार लगा रही हूं कि फिर से इस बात को समझिए कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सर्वव्यापी करना होगा, यूनिवर्सल करना होगा। उसके बिना हम इस विपदा से सामना नहीं कर पाएंगे। अब एक और समस्या जो सामने आ रही है, आंकड़े डर आने वाले हैं। हमारे देश में 2005 से लेकर 2016 के बीच में ये कहा गया था कि 47% लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे से, उनको कमती कर दिया गया है। अब तो केवल 27.4% हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे रह गए। लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो आंकड़ा आया है वो कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है, अभी भी अंडर एस्टिमेशन है। वो आंकड़े कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोग गरीबी की बदतर हालत के अंदर पहुंचने की आज अंदेशा हो गया है। इस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं। इसलिए ऐसी सूरत हाल के अंदर कैश ट्रांसफर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और लोगों को भूख से मरने से बचाना एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसके साथ साथ जॉब लॉसेस की हालत और भी खराब होने वाली है। मालिकों के आंकड़े बता रहे हैं 3.5 करोड़ तो टूरिज्म इंडस्ट्री वालों ने बोल दिया कि लोगों की रोजगार जाने वाली है। हर सेक्टर बता रहा है कि उनके यहाँ कितना रोजगार चला जाएगा। ये मालिक लोगों की जो संस्थान है उनकी तरफ से फिगर्स आ रही हैं। तो जब नोटबंदी के बाद 5 करोड़ के आसपास लोगों का रोजगार चला गया 2019 आते आते, और सरकार को मानना पड़ा, इलेक्शन से पहले वो नहीं माने, इलेक्शन जीतने के बाद वो मान गए कि 45 बरस में सबसे ज्यादा जो 7.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो हुआ है देश में, ये स्वीकार किया सरकार ने। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज आंकड़े बता रहे हैं कि 23.4% बेरोजगारी की दर होने वाली है। अगर ये आंकड़े 15 तारीख को इतने बताए जा रहे हैं, आज 18 तारीख है, आने वाले दिनों में ये बेरोजगारी की दर कितनी आगे बढ़ने वाली है हम और आप नहीं जानते हैं। इस हताशा के हालात के अंदर फिर से मैं दोहराऊंगी कि ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि 3-4 महीने लगातार कैश ट्रांसफर की पॉलिसी चलानी पड़ेगी और लोगों को अनाज देने की पॉलिसी को चलाना पड़ेगा, भूख से लोगों को मरने से बचाना पड़ेगा। इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूं, बहुत सी बातें कही थी 14 तारीख को प्रधानमंत्री ने, और उसके अलावा यह भी कहा था कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए। देखिए, अमीर परिवारों में और संभ्रांत परिवारों में, उच्च मध्यम वर्ग में, कुछ हद तक मध्यम वर्ग के अंदर सबको मालूम है अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि गरीब परिवारों को नहीं मालूम है कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना है। लेकिन मैं सरकार से पूछती हूं, हमारे देश में लगभग 20 करोड़ बुजुर्ग हैं 60 प्लस के। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है।
और उनमें से केवल एक तिहाई है जिनको इस देश के अंदर उन बुजुर्गों को पेंशन में कवर किया गया है। कितना देते हैं आप? 200 रुपए महीना देते हैं आप उनको, और 2007 से पिछले 13 साल से इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है, वहीं का वहीं 200 रुपए पे अटका हुआ है। तो आप क्या कर रहे हैं? जवाब देंगे हमको। और आपने तो इस 20 करोड़ में से 10 करोड़ के करीब जिन्होंने अपने पैसों से बचत योजना में दखल देकर के अपनी सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ था, आपने तो उनका भी जो इंटरेस्ट मिलता था उसको कम कर दिया, इसी COVID-19 के दौर के अंदर कम कर दिया आपने। और उन परिवारों की जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जो FDs बचा के रखते हैं, उनकी FDs के ऊपर आपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। इसलिए बड़ी बड़ी बातें करना बंद कीजिए, जमीन पे उतरिए और जमीन पे देखिए कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। नारेबाजियां नहीं हमारे देश को मदद पहुंचाने वाली। आप नारों को देते रहते हैं, आपका शौक है उसको पूरा करते रहिए, लेकिन नारों से लोगों का पेट भरने वाला नहीं है। अगला जो मैं इशू उठाती रही हूं, मैं फिर उठा रही हूं आज, और वो ये है हमारे फ्रंट रैंक फाइटर्स। केवल मैं मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात नहीं कर रही हूं, उसमें हमारे एसेंशियल सर्विसेज को देने वाले कर्मचारी भी हैं, मजदूर भी हैं जो सेक्टर्स खुले हुए हैं, उसमें पुलिस कर्मी भी हैं जो ड्यूटीज पे तैनात हैं। मैं सबकी बात कर रही हूं, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूं कि हमारे ये जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं और विशेष करके हेल्थ सेक्टर के अंदर जो हैं, उनके इक्विपमेंट्स का क्या हो रहा है? अभी भी उसमें बहुत गुंजाइश है। आपकी पहली कंसाइनमेंट मुश्किल से 3 दिन पहले आई है। आपके वेंटिलेटर्स की स्थिति आज भी बहुत कमजोर है, इसलिए फ्रंट रैंक फाइटर्स को जो चाहिए था उसकी कमी पूरी नहीं हुई। 15,000 करोड़ के हेल्थ पैकेज ऊंट के मुंह में जीरा की तरह है। हम इतना बड़ा मुल्क है, हमारा जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको अगर हमें दुरुस्त करना है, उसकी जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, तो मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रही हूं, 1.5 से 2 लाख करोड़ का पैकेज चाहिए। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप पीएम केयर्स में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसकी जवाबदेही पार्लियामेंट को नहीं दी जाएगी। वो कितना आ रहा है, कहां खर्च हो रहा है, देश जानना चाहेगा, और देश यह भी जानना चाहेगा कि हमारे इन कर्मियों के लिए जो फ्रंट रैंक फाइटर्स हैं या हॉस्पिटल सिस्टम के बाहर के फ्रंट रैंक फाइटर्स हैं, उनके लिए आप क्या इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन आप उनका इंतजाम करने की बजाय जिन नर्सिस ने ये मुद्दा पूरे देश के सामने लाया, उनको विक्टिमाइज किया गया कुछ राज्यों के अंदर। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स ने सवाल खड़ा किया अपनी सारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, पैरामेडिकल्स के लिए भी, नर्सिस के लिए भी, सफाई कर्मचारियों के लिए भी। तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है, जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, उनको पूरे देश के सामने आना पड़ा ये कहने के लिए कि प्यूनिटिव एक्शन शुरू हो गया उनके ऊपर। इस देश के अंदर कोई आवाज नहीं उठा सकता बताने के लिए कि हमारी क्या जरूरत है। कोई कह नहीं सकता कि सरकार की यहां पर कमी है। हम डेमोक्रेसी हैं, अभी डिक्टेटरशिप नहीं है। अगर हुक्मरानों को लगता है कि उन्होंने डिक्टेटरशिप लागू करी है तो वो उनकी सोच होगी, लेकिन हम संविधान के द्वारा अभी भी उसके द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो उस संविधान की धज्जियां उड़ाना बंद कीजिए। और इतना ही नहीं, कुछ जगह पे आशा वर्कर्स के ऊपर एक्शन लिया गया और उनको डराया गया, धमकाया गया। जिन आशा वर्कर्स ने हमको अप्रोच किया कि हमारे ऊपर बहुत विपता है, हमें इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहा है, हमें मास्क नहीं मिलती है, हमें जबरदस्ती बिना मास्क के काम के लिए भेजा जा रहा है, तो जब हमने कहा आप हमें लिखित दीजिए, हम पहुंचाएं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें कल से काम पे निकाल देंगे। हमें कह दिया गया है शिकायत करोगे तो खामियाजा भुगत लेना। और अभी क्या न्यूज चल रही है 2 दिन से, कि हिंदू राव हॉस्पिटल के डॉक्टर ने जो कुछ दिन पहले वहां के डॉक्टर्स और नर्सिस की, पैरामेडिकल स्टाफ की ये व्यथा जाहिर की थी कि हमें इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, जल्दी जुटाइए, उसी डॉक्टर को किसी एनजीओ ने अप्रोच किया
और कहा कि हम इक्विपमेंट्स देना चाहते हैं, मास्क देना चाहते हैं। उस डॉक्टर को कॉन्टेक्ट किया गया, पीयूष को, डॉक्टर पीयूष को, और उस एनजीओ ने वो चीजें प्रोवाइड की। वो पहले से शिकायत कर रहा था कि ये होनी चाहिए। उसने कौन सा गुनाह किया? वो अपने घर नहीं ले गया, वो जनता में बांटने के लिए नहीं गया, वो उनको बेचने के लिए नहीं गया, उसने अपने ही हॉस्पिटल के स्टाफ को जिनको उन मास्क की जरूरत थी उसमें बांटा। और आप उसको नौकरी से निकालते हैं, आप उसको शोकॉज देते हैं। ये कौन सा रवैया है? हम ये जानना चाहते हैं, और इसलिए हम ये समझ रहे हैं आवश्यकता इस बात की नहीं है कि जो आप पे उंगली उठाए आप उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू कीजिए। आवश्यकता इस बात की है कि अगर कोई कमी बता रहा है तो उस कमी की तरफ ध्यान दे, उसका संज्ञान ले, उस कमी को दूर करे, उसकी जरूरत है। इसलिए ये थोथी बात मत कीजिए कि हम पूरे देश को साथ लेके चल रहे हैं। आप पूरे देश को लेके साथ नहीं चल रहे हैं। आपने तो पार्लियामेंट का साथ भी नहीं लिया है, आपने तो चीफ मिनिस्टर्स को भी नहीं पूछा था, और आज भी चीफ मिनिस्टर्स क्या कह रहे हैं कि हमारी जीएसटी की 4 महीने से किस्त सरकार ने नहीं दी है। आप उनके राशन के भंडार की जितनी उनको आवश्यकता होनी चाहिए नहीं दे रहे हैं। जो ज्यादा बांटने की जरूरत है वो आप नहीं दे रहे हैं। उनके जो जो जायज उनको पैसा बनता है वो आप नहीं दे रहे हैं। एक के बाद दूसरी सरकार की शिकायतें आ रही, केवल केरल सरकार से ही नहीं आ रही हैं, वो आप पूरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई आवाज उठाएगा तो आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और ये केवल मेडिकल स्टाफ पे ही एक्शन नहीं है, इसी तरीके के एक्शन हम देख रहे हैं कि अगर पुलिस कर्मियों में से भी किसी ने आवाज उठा दी तो उनको लाइन लगाया जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है हम जानना चाहते हैं। इसलिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, लोगों के सामने आइए, उनकी दिक्कतों को सुनिए, और इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स को सुनिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को सुनिए, राजनीतिक पार्टियों को सुनिए, ट्रेड यूनियन और किसान ऑर्गेनाइजेशंस को सुनिए, महिला आंदोलनों, विद्यार्थियों, नौजवानों को सुनिए। आप नहीं सुनना चाह रहे हैं, और ये इस विपदा से लड़ने का तरीका नहीं है। इसलिए इस विपदा से लड़ना है तो टेस्टिंग पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, हॉस्पिटल सिस्टम को इम्प्रूव कीजिए, सेफ्टी इक्विपमेंट्स दीजिए, और प्यूनिटिव होने का, सजाएं देने का इस मौके के ऊपर अंकुश लगाइए। इस बात पे, इस पे रोकिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जेलों के अंदर जगह नहीं है, लोगों को निकाला जाना चाहिए, दूसरी तरफ इस वातावरण का नजायज फायदा उठाया जा रहा है कुछ लोगों को जेलों के अंदर ठूसने का। यह मानवाधिकार के हनन का प्रश्न है। इस टाइम पे जब आप पेंडेमिक का मुकाबला कर रहे हैं, जिसका मुकाबला मिलकर के पूरी सोसाइटी ने, हिंदुस्तान में ही नहीं करना, पूरी दुनिया ने करना है, लेकिन आपका रवैया ठीक नहीं है। इसलिए मैं आखिर में फिर से उस मुद्दे को उठाना चाहती हूं कि जो इस देश के अंदर अपनी असफलताओं को ढांपने के लिए आपकी सत्ता के आईटी सेल के लोग, आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, आपके ट्रोलर्स जो बार बार पूरे समाज के अंदर दिशा विहीनता का काम करना चाहते हैं, जो पूरे देश के अंदर एक नफरत का वातावरण बनाना चाहते हैं, इस समय में भी हिंदू मुस्लिम की बात उठाना चाहते हैं, मैं उस बात को फिर से उठा रही हूं क्योंकि यह बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे श्रमिकों पे हमले शुरू हो गए, कोई रेहड़ी पटरी वाले के ऊपर हमला करेगा। बगल में आप लगा सकते हैं रेहड़ी पटरी, आधार कार्ड दिखाइए, आप हिंदू हैं आप लगा के रखिए, आप आधार कार्ड दिखाइए, अच्छा आप मुस्लिम हैं आप नहीं लगा सकते। शर्म की बात तो यह है कि कुछ वीडियो देखे गए कि पुलिसकर्मी भी ऐसा करते पाए गए कहीं कहीं। मैं सारी पुलिस को दोष नहीं दे रही हूं, लेकिन ये कम्युनलाइजेशन की प्रोसेस कहां तक पहुंचाई जा रही है कि आप दुकान नहीं लगाने देंगे, आप रेहड़ी पटरी नहीं लगाने देंगे। ये भेदभाव हमारे वर्कर्स के बीच में खड़ा करके आज आप मुस्लिम्स के बीच में ये वातावरण पैदा करना चाहते हैं कि वो आर्थिक तौर के ऊपर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी नहीं कर सकते हैं, कमाई भी नहीं कर सकते हैं, मेहनत करके अपने घर के लोगों को खाना भी नहीं खिला सकते हैं। कि अब श्रमिकों के ऊपर भी हमले शुरू हो गए, वो इस रूप से तो हो ही रहे हैं। इस वातावरण को इतना गंदला
करने का पूरा मीडिया का जो एक हिस्सा है, जो प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की नीतियों को छुपाने में लगा रहता है और उनकी हर गलती को छुपाने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढता रहता है, इसलिए सत्ताधारियों की उन गलत नीतियों को छुपाने का जो रास्ता निकाला जाता है उसमें डुगडुगी बजाने लगता है। उस मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी तबलीगी के इस मामले को इस्तेमाल करने की। बांद्रा के अंदर मजदूर इकट्ठा होते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन की बगल में एक मस्जिद नजर आती है तो आप ये चलाना शुरू कर देते हैं कि लोग मस्जिद से निकल के आए। और उसी दिन 14 तारीख को सूरत में मजदूर निकल के आते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर और वो देखा जा रहा है कि उनके पीछे एक मंदिर है, वो भी रेलवे स्टेशन के पास के मंदिर के नजदीक रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं। तो आपका मीडिया ये नहीं चलाता कि मंदिर से चले आ गए ये सड़क के ऊपर, डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को तोड़ने के लिए आ गए। ये कवरेज का तरीका है जो हमारे देश के अंदर चलाया जा रहा है। इसलिए हम फिर से दोहराना चाहते हैं इस बात को कि इस तरीके की ट्रोलिंग करने वाले, नफरत फैलाने वालों के ऊपर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर अंकुश लगाइए। पूरे देश को इस महामारी से मिलकर के लड़ाई लड़नी है और इसलिए चुनावी मोड से बाहर निकलिए, अपनी पार्टी को इस मोड से बाहर निकालिए। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।